नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच नेपाल भी भारत को हेकड़ी दिखा रहा है। पिछले दिनों नेपाल की संसद ने एक नक्शा पास किया जिसमें उत्तराखंड के 3 इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था, और अब नेपाल ने फिर एक हिमाकत दिखाई है। नेपाल ने अब बिहार से लगी सीमा पर बांध के निर्माण काम को रुकवा दिया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में नेपाल बिहार बॉर्डर पर ढाका नाम की जगह पर बिहार सरकार की तरफ से बांध की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसे नेपाल ने रोक दिया है। यह जगह मोतिहारी से 45 किलोमीटर दूरी पर है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि नेपाल गंडक बांध पर मरम्मत का काम करने की इजाजत नहीं दे रहा है। मरम्मत का काम लाल बाकेया नदी में हो रहा है जो नो मैन्स लैंड में आता है। इसके अलावा कई दूसरे जगहों पर भी मरम्मत का काम रोक दिया गया है। हम पहली बार बांध के पुनर्निर्माण काम के लिए लोगों और सामान की आवाजाही को लेकर ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं। संजय झा ने यह भी बताया कि गंडक बैराज में 36 गेट हैं, जिनमें से 18 नेपाल में आते हैं। जिस इलाके में बाढ़ से निपटने के लिए मरम्मत का सामान रखा है, नेपाल ने वहां बैरियर लगा दिए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मंत्री ने कहा, हमारे स्थानीय इंजीनियर और डीएम संबंधित प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और मैं इस संबंध में विदेश मंत्रालय को भी एक पत्र लिखूंगा। अगर इस समस्या का समाधान वक्त पर नहीं होता है तो बिहार में बाढ़ आ जाएगी। बिहार के पूर्वी चंपारण के डीएम ने इस संबंध में बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट सौंपी है। इस बीच नेपाल नागरिकता के नियम भी बदलने जा रहा है, जिसके तहत नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली विदेशी महिलाओं को 7 साल के बाद ही नेपाल की नागरिकता मिलेगी। इससे भारत के नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।